आज का प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। तो सबसे पहले तो शास्त्रीय रूप से क्या परिभाषा है इनकी, क्या कहा गया है इनके बारे में, वो पढ़ेंगे। और परिभाषा अगर जानकारी मात्र होकर रह जाए, सूचनाएं मात्र होकर रह जाए, तो वो किसी काम की नहीं। इसलिए उनका हमारे जीवन में क्या अर्थ है, जीवन के संदर्भ में उसको किस प्रकार देखा जाए, उसको समझेंगे। तो स्थूल शरीर के बारे में क्या कहा गया है उसको सुनिए। कहा गया है कि जो पंचीकृत 5 महाभूतों से बना हुआ, पुण्य कर्म से प्राप्त सुख दुख आदि भोगों को भोगने का स्थान है, तथा जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय तथा विनाश रूपी षड विकार होते हैं, वह स्थूल शरीर है। अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे, पर एक बार सुन लो। सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या कहा गया है, वह जो अपंचीकृत अर्थात सूक्ष्म 5 महाभूतों से बना हुआ, सत्कर्म से प्राप्त सुख दुख आदि भोगों का साधन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणादि मन और बुद्धि एवं 17 कलाओं से युक्त है, वह सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर के बारे में क्या कहा गया है, वह जो अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूप है, ध्यान रखना अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूप है, तथा शरीर द्वे का कारण है, जो सत्य स्वरूपता के अज्ञान रूपता और निर्विकल्प रूप है, वह कारण शरीर है। अब समझ तो कुछ आया नहीं होगा, अब हम इसको विस्तार से और अच्छे से समझते हैं। अब इसको इस प्रकार समझिए कि जितने भी मनुष्य हैं वो 3 तलों पर जी रहे हैं। एक वो जो शरीर के ही तल पर जी रहा है, ऐसे कौन लोग हैं, वो लोग जिनको हर समय शरीर की ही चिंता होती है, जिनका ध्यान शरीर और शरीर से संबंधित विषयों पर ही रहता है, जो हर समय शरीर के विषय में ही सोचते रहते हैं, जिनके लिए शरीर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कोई है दिन रात सजता संवरता रहता है बस, कोई है जो अपने शरीर को फुलाने में लगा हुआ है, कोई है जो शरीर को मजबूत करने में लगा हुआ है, कोई है जो किसी को पसंद करता है तो उसका शरीर देखकर ही पसंद करता है। 2 लिंग आपस एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, क्यों, क्योंकि एक पुरुष था और एक स्त्री थी। किसी को इस बात की फिक्र है कि चलो एक इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंट बीमारियां वगैरह होती रहती है। माने वह लोग जो हमेशा सिर्फ शरीर के ही बारे में सोचते हैं, उसके लिए ही जीते हैं, करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उनके रिश्ते, उनके काम, हर चीज शरीर के लिए होती है। और संसार के अधिक से अधिक लोग इसी तल के लोगों से संबंध रखते हैं, जो कि शरीर को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरे वे लोग आते हैं जो बुद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो मन को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर से भी वो प्रयोजन रखता है, पर कह सकते हो 10-15% अधिक ध्यान उसका रहता है मन पर, बुद्धि पर, विचारों पर, भावनाओं पर, इन सब चीज़ों पर। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी सुंदरता पर बड़ा ध्यान दे रहा है, शरीर पर, तो उससे तुम कह दो कि तुम मंद बुद्धि हो, उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। उससे तुम कह दो कि तुम कुरूप हो तो उसको ज़्यादा बुरा लग जाएगा। और जो बुद्धि के तल पर जी रहा है, मन के तल पर जी रहा है, उससे आप तुम कह दो कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारा शरीर ज़्यादा सुडोल नहीं है, उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। पर अगर तुम उससे कहो कि तुम तो बुद्धिहीन हो, तुम ना समझो, तो उसे बुरा लग जाएगा। तो 2 श्रेणियाँ ये हो गई। तीसरे तल पर वो आते हैं लोग, तीसरे तल पर वो लोग आते हैं जो शरीर को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, जो बुद्धि, विचारों, भावनाओं, सुख दुख, इन सब चीज़ों को भी उतना महत्व नहीं देते। क्या इनको कह सकते हो कि ये वो लोग हैं जो संसार के मिथ्यापन को देखने लगे हैं? किंतु संसार को तो उन्होंने मिथ्या देख लिया, पर वो अपनी हस्ती को नहीं नकार पा रहे हैं, वो अपनी हस्ती के मिथ्यापन को अभी भी नहीं जान रहे हैं।
संसार को मिथ्या कह रहे हैं, विचारों को मिथ्या कह रहे हैं, बुद्धि को मिथ्या कह रहे हैं, भावनाओं को मिथ्या कह रहे हैं, सुख दुख को मिथ्या कह रहे हैं, पर वह जो मैं भाव है, वह जो अहम भाव है, वह जो अपने होने का भाव है कि मैं हूँ, अभी वो उस भाव से मुक्त नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि वो साधक जो मुक्ति की खोज में निकला, लेकिन अभी भी वो कह रहा है मुझे मुक्ति चाहिए। वो हर चीज़ से मुक्त हो गया, लेकिन इस मुक्ति से वो मुक्त नहीं हुआ। वो कह रहा है मुझे मुक्ति चाहिए, अर्थात वो कह रहा है कि मैं हूँ, अब उसे मुक्ति चाहिए मुक्ति से भी। जैसे बुद्ध सब कुछ छोड़ चुके थे, माने सबसे मुक्त हो चुके थे, बस वो जो दौड़ थी सत्य को पाने की, मुक्त हो जाने की, उस दौड़, उस इच्छा से और उनको मुक्त होना था। और जैसे ही कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अब या तो सत्य का बोध होगा या हम नहीं रहेंगे, तो उनका नहीं होना ही तो सत्य का बोध है। तो तीसरे तल के वे लोग हैं जो हर तरह से मुक्त है, किंतु अपने होने के भाव से, अपने मैं भाव से, अपने अहम भाव से अभी मुक्त नहीं हुए। अपनी हस्ती को वो अभी भी सत्य मान रहे हैं, वो ना कुछ होने में अभी उतरे नहीं, होने का भाव अभी भी है। तो हमने कहा कि पहले तल के वे लोग हैं जो शरीर भाव में जी रहे हैं, देह के तल पर जी रहे हैं। दूसरे वो है जो मन बुद्धि विचार इत्यादि के तल पर जी रहे हैं, माने सूक्ष्म तलों पर। और तीसरे वे हैं जो इन सबसे मुक्त है, किंतु अपने होने का भाव उनमें अब भी है। अब अगर हम भगवद गीता को थोड़ा सा बीच में लाएं, तो आप दुर्योधन को कह सकते हैं कि वो देह के तल पर जी रहा है, शरीर भाव में जी रहा है, वो विचार ही नहीं कर रहा है, विचारहीन है वो। विचार नहीं करने का अर्थ निर्विचार ही सदा नहीं होता है, वो विचार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो विचारहीन है। विचारहीन माने वो देह के तल पर जी रहा है, ये स्थूल शरीर में जी रहा है। दूसरा है अर्जुन, जो विचार कर रहा है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, मैं युद्ध क्यों करूं, क्या लाभ क्या हानि, इससे अच्छा होगा बुरा होगा, किसको फायदा। तो अर्जुन वो है जो बुद्धि के, मन के तल पर जी रहा है, भावनाओं के, सुख दुख के तल पर जी रहा है। देखो अर्जुन की हालत। और तीसरा हमने कहा था वो जो इन सबसे मुक्त है, किंतु अपने होने का भाव उसमें अभी भी है। तो कृष्ण को आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो अहम भाव में जी रहे हैं, पर इस बात को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि कृष्ण वो हैं जो कारण शरीर के तल पर हैं, वो उनसे भी पार है, किंतु हम समझने के लिए उनको ला सकते हैं थोड़ा सा। या ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच में जो है वो कारण शरीर में जी रहा है, कि वो सब तरह से मुक्त है, किंतु उसके अपने होने का भाव अभी भी उसमें है। जैसे अर्जुन मुक्त तो हो जाता है 18 अध्याय आते आते, वो देख लेता है कि सामने जो है सब मिथ्या है, उसका दुख मिथ्या है, उसका दुख झूठा है, किंतु फिर वो रो रहा है ना, फिर भी तड़प रहा है ना, आंसू बह रहा है ना, शरीर कांप रहा है ना, अर्थात उसमें अभी भी अपने होने का भाव है। युद्ध इसलिए कर पा रहा है क्योंकि शरीर भाव से, देह भाव से, विचारों से, बुद्धि से, भावनाओं से, सुख दुख से वो ऊपर उड़ गया है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से। लेकिन अपने होने का भाव उसमें अभी भी है, इसलिए वो दुखी भी हो रहा है, आंसू बह रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सहन कर रहा है, तितिक्षा। तो पहले अध्याय के अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों के बीच में जो है उसे आप कह सकते हैं कि वो जो कारण शरीर के तल पर जी रहा है, अहम अपने होने मात्र के तल पर जी रहा है, वो जो अपनी हस्ती को अभी नकार नहीं पाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से आप कहां पर हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब की बात की ही क्यों जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन जो है वो ये बताना है कि देखो भाई, स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण शरीर हो, पर तुम्हें मनुष्य की देह मिली है। और क्या कहते हैं हम कि मनुष्य जन्म अनमोल है, मनुष्य जन्म अनमोल है, किंतु इस मनुष्य में संभावना है कि ये विचारहीन होकर भी अगर विचार करे तो निर्विचार में उतर सकता है। दुर्योधन विचारहीन है, पर अर्जुन की तरह अगर ये विचार करने लगे तो कृष्ण की तरह ये निर्विचार में उतर सकता है। और अगर ये अर्जुन के स्थान पर होकर के भी विचार ना करेगा तो दुर्योधन की तरह विचारहीन हो जाएगा। तो ये जो मनुष्य है ना, इसमें संभावना है उस आनंद को उपलब्ध हो जाने की, जो सुख दुख से परे है, जो समय से परे है,
जो अनादि है, जो अनंत है, जो असीम है। तो सबसे पहले कहा गया है स्थूल शरीर क्या है, जो पंचीकृत पांच महाभूतों से बना हुआ पूर्ण कर्म से प्राप्त सुख दुख आदि भोगों को भोगने का स्थान है, तथा जिसमें अस्तित्व जन्म वृद्धि परिणाम क्षय तथा विनाश रूपी षडविकार होते हैं, वह स्थूल शरीर है। तो किसकी बात की जा रही है, इस देह की जो पंचभूतों से बना हुआ है, किंतु फिर भी क्या कह रहे हैं कि ये पुण्य कर्म से प्राप्त है। हम तो कहते हैं कि देह भाव में जीना वैसा ही है जैसे पशु की तरह पशु जीता है। हम कहते हैं कि अगर आप देह भाव में जी रहे हैं तो आप पशुवत जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो पंच महाभूतों से बना हुआ देह है, शरीर है, ये भी बड़े पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भले ही तुम देह में जी रहे हो, किंतु पशु के पास ये संभावना नहीं है कि वो अपनी पशुता से आगे निकल जाए। वो पशु है, वो पशु से ना तो आगे निकल सकता है और ना ही पशुता से नीचे गिर सकता है, वो पशु ही रहेगा। किंतु ये जो देह है ना, ये जो शरीर है ना मनुष्य का, इसमें दोनों संभावनाएं हैं, ये पशुता से मनुष्य से पशु और पशुता से भी नीचे राक्षस भी हो सकता है, दानव भी हो सकता है, और इसमें यह संभावना भी है कि ये देवता भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्थूल शरीर भी बड़े पुण्य कर्मों से मिला है, क्योंकि इसमें यह संभावना है कि अगर ये विचार करे अर्जुन की तरह तो अंततः यह भी निर्विचार में उतर सकता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको भी कहा जा रहा है कि यह भी सूक्ष्म पांच महाभूतों से बना हुआ है, सत्कर्मों से ही यह भी प्राप्त होता है। तो यह जो व्यक्ति है जो सूक्ष्म शरीर को महत्व देता है, ये उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है जो अभी शरीर को ही महत्व दे रहा है। तो इसकी और ज़्यादा संभावना है कि ये अगर अपने विचारों की गहराई में उतरे, अपनी बुद्धि का अपनी समझ का प्रयोग करे, तो ये निर्विचार में उतर सकता है। अब देखो ना, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ शरीर शरीर के लिए जीने में है, करने में, इसी में लगी रहती है, जो खाने में लगे हैं, सोने में लगे हैं, शरीर के लिए ही कमाते हैं, शरीर का ही ख्याल रखते हैं, इसी को पोषण देते हैं, सब कुछ इसी के लिए, हर चीज़ उनकी शरीर से ही संबंधित है, उनके प्रेम के रिश्ते, उनकी दोस्ती भी शरीर के आधार पर, दुश्मनी भी शरीर के आधार पर, सब कुछ शरीर के आधार पर जिनके जीवन में चल रहा है। या ऐसा कहो कि जो बहुत गरीब है, अब उस बेचारे के पास पेट भरने कोई नहीं है, पेट खाली है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो कहाँ मन की बातें सोचेगा, क्योंकि अधिकतर तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो वो बेचारा पशु का जीवन ही जीते जीते मर जाता है, मन बुद्धि विचार भी कुछ होते हैं, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व देता है, उसके लिए अधिक संभावना है कि वो अगर अपने विचारों की गहराई में उतरेगा तो विचारों से आगे निकल सकता है, विचारों से मुक्त हो सकता है। पर यहाँ पर जिन विचार की बात की जा रही है, यहाँ उसकी बात नहीं की जा रही है वो विचार, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें जो बड़े बड़े ऑफिसर डायरेक्टर CEO सारे एम्प्लॉई बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, विचार तो वो भी करते हैं, बुद्धि तो वो भी लगाते हैं, चतुराई तो वो भी दिखाते हैं, पर वो सब किसके लिए कर रहे हैं, वो सब भी कर तो शरीर के लिए ही रहे हैं ना। तो उस तरह के विचार की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है उस तरह के विचारों की जो अर्जुन कृष्ण से कर रहा है, माने इसको कह सकते हैं आप आत्मज्ञान से संबंधित विचार, आत्मविचार, अपने होने अपनी हस्ती से संबंधित विचार, मैं कौन हूँ इस बारे में विचार करना, इसको जानना, इसकी खोजबीन करना, उसकी संभावना होती है कि वो कारण शरीर से भी आगे निकल जाए, अर्थात वो अपनी हस्ती से अपने होने से भी मुक्त हो जाए। तो यही सारी बातें हैं जो समझाने के लिए तीन तलों के शरीर की बात की जा रही है, जिसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। तो इनको आप कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन के माध्यम से समझ सकते हैं। दुर्योधन का संबंध आप स्थूल शरीर से जोड़ सकते हैं, अर्जुन का संबंध सूक्ष्म शरीर से जोड़ सकते हैं, और कृष्ण वो जो कारण शरीर या कारण शरीर से भी आगे निकल गए हैं। कारण शरीर
माने वो जो सब कुछ से मुक्त हो गया किंतु मुक्ति की दौड़ अभी जारी है, और कृष्ण वो जो मुक्त होने की दौड़ से भी मुक्त हो गए हैं। अब ना उन्हें कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है। वो कहते हैं ना कि देख अर्जुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं पाना है, किंतु फिर भी मैं कर रहा हूँ कर्म। इस तरह के हैं कृष्ण, वो मुक्त हैं, मुक्ति चाह नहीं रहे। तो ये सारी बातें हैं।